देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे विंडोज 7 को इंस्टॉल कर रहे हैं पीसी में। तो किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे हम पेन ड्राइव को लगा चुके हैं। लगाने के बाद जब हम यहाँ पे F10 को और 12 को प्रेस किए हैं तो इस प्रकार का विंडो जो हमारा बूटेबल पेन ड्राइव होता है, तो इस प्रकार का विंडो हमारे सामने ओपन होकर के आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हम जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडोज 7 को यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए जो अगर इसका अगला इंटरफेस है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेटअप इज स्टार्टिंग, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके आगे जो आपका इंटरफेस आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो अगर इसका अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा तो यहाँ पे बीट को सिलेक्ट करना होगा कि आप जो विंडोज 7 है वो आपको होम प्रीमियम रखना है कि होम रखना है कि यहाँ पे प्रोफेशनल रखना है कि इंटरप्राइजेज रखना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो देखिए हम जो इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पे विंडो जो 7 है तो यहाँ पे हम अल्टीमेट को इंस्टॉल करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन है, नहीं तो फिर यहाँ पे आप प्रोफेशनल को भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट को करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो इसका अगला ऑप्शन आएगा, जो अगला इसका इंटरफेस आएगा, तो आप लोग आगे देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला इंटरफेस आ गया है। तो आने के बाद दोस्तों हमें जो यहाँ पे आई एक्सेप्ट लिखा हुआ है जो इसका टर्न एंड कंडीशन सब लोग कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक किए हैं तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है तो उस पर हमको क्लिक करना होगा। तो जो यहाँ पे लिखा है एडवांस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे आएंगे तो इसका अगला जो ड्राइव है तो आपका ड्राइव खुल करके आएगा। देखिए दोस्तों, जो फॉर्मेटिंग का जो मेन वजह होता है वो यहीं पे होता है, हम लोग फॉर्मेट यहीं से करते हैं। तो ये आपका देखिए ऊपर जो यहाँ पे सी ड्राइव बना हुआ है और यहाँ पे नीचे जो आपका है ई ड्राइव बना हुआ है। तो आपको इस ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है। इस यहाँ पे आप लोग सिंपल पहले से है ही और आपको जो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको बस फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ फिर कर देंगे यहाँ से ओके। तो ये हमारा यहाँ पे जब फॉर्मेट हो जाएगा तो जो यहाँ पे फ्री स्पेस है आपका दोनों में यहाँ पे सब बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा आपको हम यहाँ पे ये रनिंग कर रहा है, करने के बाद आपको देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे जितना यहाँ पे है साइज उतना ही आपका यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा सी ड्राइव फॉर्मेट हो गया। अब अगर डी ड्राइव करना होगा तो इसे आप लोगों को क्लिक करना होगा और फिर से आपको यहाँ पे इसे ही फॉर्मेट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए और यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दिए। तो आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है तो यहाँ पे 500 GB यहाँ पे सिस्टम को दिया गया है और यहाँ MB और यहाँ पे इतना इसको दिया है, मतलब कि इसका 1 GB इसमें जो इसका सब कुछ ये दिया हुआ है, सब कुछ मिला करके इसमें 1 TB है। तो देखिए आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी हो गया बराबर। अब हमें सी ड्राइव में अगर अपने विंडो को इंस्टॉल करना है तो आपको इस पे ऊपर वाले पे क्लिक करना होगा जो पार्टीशन 2 है। अगर आपको डी में करना होगा तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। हम यहाँ पे सी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे 243 लिखा हुआ है MB, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से नेक्स्ट पर जब क्लिक कर देंगे देखिए यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल विंडो का ऑप्शन आ गया है। तो विंडो हमारे यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। तो पहले में हमारा कॉपीराइट जो यहाँ पे होता है कॉपी कर रहा है विंडो फाइल को और यहाँ पे गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे जब इतना हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे फीचर्स को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा, फिर यहाँ पे अपडेट को इंस्टॉल करेगा, फिर फिनिश अप कर देगा। तो इस प्रकार से इतना होने के बाद आपको अगला वीडियो में दिखाते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर लें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो देखिए आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5% हो गया है, थोड़ा सा और हम लोग वेट करेंगे और आगे जो होगा दिखाएंगे। 12% यहाँ पे हो गया है, आगे देखिएगा। कंपनी ब्रांड उनके लैपटॉप दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ऑल इन वन को हम फॉर्मेट किए हैं आज। इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो कि जो होता है मॉनिटर बस यहाँ पे है, लेकिन ये ऑल इन वन है। इसमें सब कुछ चलेगा, आपका टीवी से लेकर के आपको जो भी चलाना है, लैपटॉप चलाना है, जो भी चलाना है तो आप इसमें चला सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पे 14% हो चुका है और थोड़ा सा और रुका हुआ है, देख लेते हैं। एक सीट का उसका इतना महत्व हो गया, सीट किसी का खाली ही नहीं, कोई है ना तो अगर मैसेज नहीं आ चौराहा पर बगवारा हो गया, चांद हो गया, चौराहा पर हमारा तो यहाँ पे देखिए इतना हो चुका है। अब इतना जब हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे जो अगला अपडेट का यहाँ पे जो इंस्टॉल है
वह अपडेट यहाँ पे हो रहा है। अपडेट होने के बाद फिनिशअप का ऑप्शन हमारा आ जाएगा। तो समझिए कि जो आपका विंडो है वो इसमें 100% सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको आगे दिखाते हैं, इसी प्रकार से बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। देखिए आगे यहाँ पे हो चुका है, अब यहाँ पे लिखा है कि विंडो नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू। हम यहाँ पे अपने पेन ड्राइव को जो लगाए हैं बूटेबल उसे यहाँ से हम निकाल देंगे। अब इसका काम हमारा हो चुका है, देखिए यहाँ से इसे हम निकाल देते हैं, ये हमारा निकल चुका है। और देखिए यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ से हमारा विंडो जो है वो अब स्टार्ट होगा। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपका यहाँ पे स्टार्ट होकर दिखाते हैं सब कुछ लाइव प्रोसेस। देखिए यहाँ पे लेनोवो लिख दिया, और अब यहाँ पे जो हमारा विंडो 7 है वह हमारा अब दिखाई देगा। देखिएगा आगे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हुआ, फिर अपने से हट गया। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग विंडो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिखा हुआ, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो को यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब यहाँ पे विंडो 7 का जो सिंबल होता है, आइकन होता है, हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ से ओपन हो गया। देखिएगा आगे तो इसके बाद यहाँ पे सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। तो देखिएगा इसमें क्या ओपन होता है, आपको दिखाएंगे आगे, लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से फॉर्मेट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, आप किसी भी विंडो को, चाहे वो विंडो 10 डालना हो या फिर 7 डालना हो, आप इस प्रकार से उसमें इंस्टॉल विंडो को कर सकते हैं। अब देखिए आप लिखा है कि सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विस, अब यहाँ पर हमारा जो सेटअप है वो स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करिएगा, अब देखिएगा आगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोने में रनिंग कर रहा है, और यहाँ पे कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन लिख दिया। अब आपका जो विंडो है वो आपका ओपन होगा, कुछ और सेटिंग्स करना होता है जैसे आप लोग आगे देखिएगा। देखिए आगे यहाँ लिखा है सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो हमारा विंडो है वो हमारा रीस्टार्ट होगा, और जो हमारा सेटअप है वो हम आपके आगे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे विंडो हमारा रीस्टार्ट हो रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे सेटअप हमारा खुल करके सामने आएगा। तो यहाँ पे हमारा लिखा है स्टार्टिंग विंडोज, अब हमारे विंडोज़ को स्टार्ट कर रहा है। देखिए फिर से उसी प्रकार से करेगा, और यहाँ पे हमारा जो विंडो है हमारा ओपन होकर आएगा। देखिए दोस्तों बहुत बहुत ही नॉर्मल होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा विंडो 7 अल्टीमेट खुल चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे विंडो का नाम के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे नाम को यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, एग्जांपल में जैसे जोहन यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे पीसी हो गया टाइप। तो अब हमें यहाँ पे अपने कंप्यूटर के नाम को लिखना होगा, और यहाँ पे पीसी को लिखना होगा, तभी जा करके हमारा आगे नेक्स्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगला यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड सेट करने के लिए, तो पासवर्ड सेट करना होगा तो लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए, यहाँ पे सब कुछ हमारा हो चुका है दोस्तों। होने के बाद देखिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो लिखा है अस्क मी लेटर, आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर करना है आपको डेट टाइम बाद में होगा सेट। खत्म डालेगा पैसा में कुछ होगा सबरे ज्ञान नहीं क्या ये कौन है जी? हाय फिर ये कौन है? किए जा देखे। तो यहाँ पे हमारा 100% विंडो इंस्टॉल हो गया, और हमारा यहाँ पे जो विंडो 7 अपडेट यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं वो हमारा ओपन भी हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें हमें ड्राइवर को डालेंगे तभी भी काम करेगा, क्योंकि सारा जो इसमें लेटर है, देखिए यहाँ पे जो भी आइकन है सब बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अभी इसमें ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा, तभी जाके सही से काम करेगा दोस्तों। हम लोग यहाँ पे 100% यहाँ पे अपने विंडो को इंस्टॉल कर चुके हैं, विंडो 7 को। तो इस प्रकार से हम विंडो 7 को इंस्टॉल करते हैं, आप लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। जो हम अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं दोस्तों में शेयर कर लें, और चैनल को ऐसी जगह सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।